हेलो गाइस, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हो टेक एच नाइन यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंस्टाग्राम की 6 ऐसी टिप्स जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि काफ़ी अच्छा आपको महसूस होगा और आपको इंस्टाग्राम चलाने में काफ़ी मज़ा आएगा। क्योंकि बेसिक तो सभी को पता होता है, आजकल इंस्टाग्राम सभी कोई चलाता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टिप्स अगर आपको नहीं पता है तो इंस्टाग्राम चलाना बेकार है। क्योंकि आजकल आपके दोस्तों के सामने आपकी इमेज कुछ अलग हो, यही आप सब लोग चाहते होंगे। तो इस वीडियो के लास्ट में जो टिप्स है वो आपको काफ़ी पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। पहला जो टिप्स है इसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आप चाहते हैं किसी के प्रोफाइल पिक्चर को फुल साइज में देखें और उसको डाउनलोड करें तो इंस्टाग्राम पे आपको ऐसी कोई फीचर्स नहीं मिल जाएगी, कोई भी सेटिंग नहीं मिलेगा। तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसके बाद उस पर क्लिक करके आप इस टाइप की वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पर इस बॉक्स में आपको उसके यूजर आईडी को डाल देना है, डालने के बाद गो वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। एक नेक्स्ट पेज आएगा, यहाँ पर आपको उसका प्रोफाइल फुल दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर में उसके प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक कर देना है और उसके बाद ये नेक्स्ट पेज में आपको बड़ा दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे HD क्वालिटी वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर में डाउनलोड का ऑप्शन है जिस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा और सेव होने के बाद कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट जो टिप्स है इसमें आप अपने इंस्टाग्राम को एनालाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे इंसेंट वाले ऑप्शन में जाना है। इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सब कुछ पता चल जाएगा कि किस किस डेट पे आपने फ़ोटो को पब्लिश किया, किस डेट पे आपने वीडियो को पब्लिश किया, कितने आपको व्यूज़ मिले, कितने इम्प्रेशन मिले, किस किस डेट को आपने यहाँ पे इंस्टाग्राम चलाया, कितने घंटे आपने चलाया, सब कुछ यहाँ पे आप जान सकते हैं। सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप उसके बाद एडवांस वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको पता चलेगा कि फॉलो कितने बंदे ने किया, आपको अनफॉलो किसने कर दिया। यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं, आपके सामने सब कुछ मिल जाएगा। ये कोई यहाँ पे ट्रिक्स नहीं है, इंस्टाग्राम की तरफ से अपडेट है। अगर आपने अपडेट नहीं किया तो प्ले स्टोर पर जाके अपडेट कर लीजिएगा, उसके बाद ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो टिप्स है इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ जाना। यहाँ पे आने के बाद आपको कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करो तो आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है जिसपे आप प्रोफाइल पिक्चर को बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज आएगा, यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन बैच के साथ आपका फ़ोटो दिख जाएगा। तो ये काफ़ी खूबसूरत आपको लगेगा देखने में। तो यहाँ पे आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप फ्री में ये ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स है नीचे में, उस पर आपको कोई भी ईमेल डाल देना है। ज़रूरी नहीं कि आपका रियल ईमेल होना चाहिए, फेक ईमेल भी आप डाल सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे डाल के gmail.com लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है जिस पे अगर आप क्लिक करते हो तो क्लिक करने के साथ ही आपका ये इमेज डाउनलोड हो जाता है आपके फ़ोन में। डाउनलोड होने के बाद आपके सामने एक नया पेज आएगा, यहाँ पे ये फ़ोटो दिख जाएगा। तो आप इसको अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर में लगा सकते हैं और इसको सुंदर बना सकते हैं। नेक्स्ट जो टिप्स है इसमें आपको अब किसी के भी फ़ोटो को डाउनलोड करना सिखाएंगे। तो इसके लिए आपको उसके फ़ोटो को सेलेक्ट करना है, उसके बाद 3 डॉट पे जाना है, उसके बाद कॉपी लिंक का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद UC ब्राउज़र में जाना है, जाने के बाद वहाँ पे उसको पेस्ट कर देना उस लिंक को, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर सर्च कर लेना है। सर्च करने के साथ ही आपके सामने वो फ़ोटो आ जाएगा फुल साइज में। तो उसके बाद यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है इसके फ़ोटो पर, किसी के भी फ़ोटो पर। तो लॉन्ग प्रेस जैसे ही करते हो तो आपके सामने ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे नीचे सेव इमेज का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देते हो तो आपके सामने यहाँ पे अलाउ आएगा, अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़ोटो सेव हो चुका है। नेक्स्ट जो ट्रिक्स है इसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आप चाहते हैं इंस्टाग्राम की ऑनलाइन स्टेटस और लास्ट सीन को हाइड करें तो उसके लिए आपको सेटिंग वाले ऑप्शन जाना है। उसके बाद प्राइवेसी का ऑप्शन आप देख सकते हैं, प्राइवेसी के ऑप्शन में जाना है। उसके बाद एक्टिविटी स्टेटस पे क्लिक कर देना है, उसके बाद इसको ऑफ कर देना है। इसको करने के बाद आपके लास्ट सीन ऑनलाइन स्टेटस को कोई नहीं देख पाएगा। लास्ट जो ट्रिक्स है ये कोई ट्रिक्स नहीं है, इंस्टाग्राम की तरफ से अपडेट है। अगर आप स्टोरी डालते हैं तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर नया ऑप्शन ऐड कर दिया है इसने, यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन। लेआउट पे जैसे ही क्लिक करो तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी फीचर्स मिल जाती हैं। आप 1, 7, 3, 4, 5 जितने चाहे 6 तक यहाँ पे फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, यानी एक स्क्रीन में आप 6 टाइप की
फ़ोटो को एक साथ मर्ज करके डाल सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी फीचर्स है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो आप इसको एक बार ज़रूर यूज करना, आप काफ़ी स्मार्ट दिखने लगोगे। तो ये थी इंस्टाग्राम के कुछ टिप्स जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। अपकमिंग वीडियोस ऐसी आती रहेगी, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर मैंने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में और नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।